सबका अलवर की मकसद दुकानें जलाने, मंदिर जलाने वाली जो है, तो कल सीएम को मैंने सुना तो उन्होंने ये कहा कि इसकी परमिशन भाजपा के बोर्ड के लोगों ने दी थी, तो फिर कांग्रेस किस तरह से? नहीं, भाजपा के बोर्ड परमिशन नहीं दी थी, भाजपा के बोर्ड ने इतना ही कहा था कि गौरव पथ जो है, जो बहुत दिन से काम रुका हुआ है, इसको ठीक किया जाए। अच्छा, अब गौरव पथ को आप 300 साल पुराना मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? वो पतला सड़क हो सकता है, ऊपर से महिला वहां पे तीसरे मंजिल पे है, बुजुर्ग महिला, आप मकान ही तोड़ देते, पूरा ऊपर टंगी हुई है, किसी को बिना नोटिस दिए गरीबों को सबका मकान तोड़ दिया, इसलिए तोड़ दिया क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करते थे। और वहां का विधायक खुलेआम में बोला कि तुम हमारे पास सारे के सारे कारपोरेटर आ जाओ और देखो फिर मैं क्या करता हूँ। उसका क्या हुआ कि जो लड़का जो है ना, वो आरोपी हुआ रेप के केस में, तो उसके चक्कर में उसने वहाँ का अंदरूनी लड़ाई में सरकार से मिल करके अपना ये सब काम कराया, तोड़फोड़ करवाया। अच्छा, होता क्यों है? तो ऐसी कार्रवाई मध्य प्रदेश नहीं होगी, ऐसी कार्रवाई मंदिर हटाने की का उत्तर प्रदेश नहीं होगा, और कहीं नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सबको मालूम है कि जो प्रदेश का मुखिया है ना, उसकी सोच क्या है, वो किस डायरेक्शन में सोचता है। नहीं तो ये बात तुष्टिकरण के अपीजमेंट के पॉलिटिक्स पे चलता है या सबका साथ सबका विकास पे पॉलिटिक्स पे चलता है?